दिल्ली के ट्रैफिक और दिल्ली की गर्मी से ना थोड़ा दूर जाने के लिए इस बार मैं जा रही हूँ एक ऑफ बीट लोकेशन पर। यहाँ का टेम्परेचर तो यार हो रहा है 40 डिग्री, बट वहाँ का टेम्परेचर हो रहा होगा 20 डिग्री। मजा आने वाला है। एक्सप्रेसवे और इससे होते हुए हम सीधा पहुंचेंगे कहां तक जी? पता नहीं, बताओ ना कहां तक पहुंचेंगे? खतौली। खतौली, खतौली से फिर हमें एग्जिट लेना है बिजनौर। पता नहीं, देख लो किस तरीके से कर रहे हो यार। नहीं बता सकता भाई, मुझे नहीं पता, मैं जीपीएस से चल रहा हूँ। तो पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट रात होने वाली है। हम 1 बजे दिल्ली से चले थे और अब टाइम होने वाला है वो 7 बजने वाले हैं। हम बस आधे घंटे का और रास्ता है और ही पहुंच चुके हैं हम अपनी ऑफ पीट लोकेशन पर। 5 से 6 घंटे का वैसे यहाँ का रास्ता है, लेकिन हमें लग गए हैं 6.5 घंटे क्योंकि हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। बाकी ये जो जगह है ये है लैंसडाउन के दुबदा में, बिल्कुल ऑफ पीट लोकेशन है। हमारे रिजॉर्ट के रूम के बाहर बिल्कुल रिवर वैली है, इतनी सुंदर इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना पानी की, मैं सुबह आपको दिखाऊंगी। इस टाइम तो अंधेरा हो रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आएगा, और जो रूम टूर है वो सब कुछ मैं आपको सुबह करवाऊंगी। और ये है हमारे रूम की बालकनी और यहाँ पर ना रिवर वैली है। अभी अंधेरे में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यार मतलब इतनी पीसफुल आवाज़ आ रही है ना रिवर की, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि कहाँ दिल्ली के शोरगुल को छोड़ के कहाँ आ गए हैं। मतलब रात में अंधेरे में इतना अच्छा लग रहा है ना, दिन में पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। बड़ी जोर से भूख लग रही है और खाना आ चुका है। यहाँ पे हमने मंगवाई है रोटी, सैलड, पनीर टिक्का एंड एक चीज़ और मंगवाई है, ये मलाई कोफ्ता। नदी के किनारे कॉफी पीने का मजा ही अलग आएगा। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगवाया है सैंडविच, कल रात को भी इनका जो सैंडविच खाया था काफी टेस्टी था, और साथ में ये हैं आलू दे पराठे। और यहाँ पर नदी का व्यू, नदी में पानी कम है ये देख सकते हो आप, लेकिन व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। आलू प्याज के पराठे मंगवाए हैं। कैसे हैं? बढ़िया। ये हमारा रिजॉर्ट है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला हमारा रूम है जहाँ से नीचे का पूरा रिवर व्यू दिख रहा था, और ये रिवर में फुल एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, और इस रिवर और सन फुल निकला हुआ और फुल मजा आ रहा है। सन रिवर रिजॉर्ट, वाओ। नदी में पानी जो है ना वो मतलब थोड़ा है, लेकिन आपके एंजॉय करने के लिए फुल है। बहुत ठंडा भी नहीं है, मजा आ रहा है, आराम से नहा सकते हैं इसमें। यहाँ पे काफी अच्छा गार्डन एरिया है, ये देख सकते हो दोनों तरफ पीछे तक, और वो उधर पूरा रिजॉर्ट शुरू हो रहा है। पीछे पार्किंग है, काफी अच्छी पार्किंग स्पेस भी है यहाँ पर। बाकी आज रूम टूर करवाती हूँ। अब डे का रूम टूर, क्योंकि रात को तो बहुत लेट हो गए थे। यहाँ पे ये अलमीरा दी हुई है, यहाँ पे लगेज हमने रख लिया है। भैया जी पूरा रूम यहाँ पर सीटिंग के लिए दिया हुआ है, बेड है, यहाँ पर टीवी वगैरह है, वॉशरूम है, ये है वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन। और ये हूँ मैं, और बाहर का व्यू तो मैं आपको कई बार दिखाई चुकी हूँ। लंच में मंगवाया है हमने मशरूम, 2 प्याज़ा, सैलेड, वेज बिरयानी जो काफ़ी अच्छी सी लग रही है देखने में, और ये है मिक्स सैलेड। सीरियसली बिरयानी बहुत टेस्टी है यार, वेज बिरयानी बहुत टेस्टी है, मस्त है खाना यार, अच्छा है। मशरूम 2 प्याज़ा, बढ़िया। ये पूरा रिजॉर्ट का जो एरिया है ना, ये पूरा यहाँ से लेके पूरी पार्किंग है इनके यहाँ बहुत अच्छी, ये पूरा रिवर व्यू यहाँ से मिलता है। कैन यू बिलीव मैं रिवर के इस टाइम बीचों बीच रिवर के मैं खड़ी हूँ। यार आपने सोचा था कभी रिवर के बीचों बीच खड़े होगे? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पर रिवर का ना,
बिल्कुल, मतलब एक एक स्टोन आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ पानी है। कहते हैं ना पहाड़ों पे आके अपनी मेंटल हेल्थ लोग ठीक करते हैं, यहाँ आके पता लगता है कि मेंटल हेल्थ ही खराब नहीं है सिर्फ, यहाँ तो फिजिकल हेल्थ की भी लगी पड़ी है। वही वाला सीन हो रहा है, 1-2 किलोमीटर चले हैं मुश्किल से और इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है। वॉक करने निकले थे थोड़ा सा, अच्छा व्यू तो बहुत है, नीचे नदी है, उधर थोड़े से कैंप्स दिख रहे हैं और खाली खाली रोड है, लेकिन थकान फुल ऑन हो चुकी है जरा सा चलते ही।